just me and my guitar. Hello friends, welcome to my YouTube channel Amit Tech. दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, आज के डेट में हर कोई एक स्मार्टफोन यूज करता है, तो ये न्यूज जो है स्मार्टफोन यूजर के लिए है और इसको जानना बहुत ही जरूरी है आज, क्योंकि जो भी आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो एक वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी ट्रेंड माइक्रो ने जो है 23 तारीख को बताया है कि गूगल प्ले स्टोर में 800 से ज्यादा ऐसे ऐप हैं जिनमें एक एंड्रॉयड मेलवेयर जिसका नाम जेवियर दिया है, जो कि जेवियर की पहचान में है। अब इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। इन जो जेवियर है इसमें जो है एप्स, मतलब इन्होंने एप्स एक बनाए हैं और इस एप्स को जो है इस यूजर द्वारा बहुत बार इंस्टॉल किया जा चुका है और ये जो है इसमें इतने हैवी वायरस हैं जो कि आपके स्मार्टफोन पे अटैक करके आपकी सारी जानकारियों को जो है वो चुरा लेते हैं। और ये जो वायरस है मोबाइल के यूजर से कौन से डाटा चुरा रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, आपके बैंक की आईडी, पासवर्ड, क्या क्या ले रहे हैं, इसकी ट्रैक कर पाना इसे बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से जो है माइक्रो ट्रेड कंपनी ने क्या कहा कि उनका बयान है कि इस मेलवेयर से प्रभावित जितने भी यूटिलिटी ऐप, मतलब जितने भी इसमें कुछ कैटेगरी बांटे हुए हैं ऐप की, जो कि फोटो ऐप है, वॉलपेपर है, रिंगटोन चेंजर है, इस तरह से ऐप है जिसमें ये मेलवेयर वायरस जो है आ चुका है। और इस प्रकार से खतरों से बचने के लिए यूजर को जो है मोबाइल में कुछ सुरक्षा समाधान भी दिए जा रहे हैं। और जो इनके कंपनी के मैनेजर जो हैं उनका कहना है कि इस जेवियर जैसे बेहद जो है तेज मेलवेयर से बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि किसी भी अनजाने सोर्स से आप ऐसे ऐप को इंस्टॉल ना कीजिए जो कि ट्रस्टेड ना हो, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर ही क्यों ना हो, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में भी ऐसे सारे मेलवेयर ऐप पड़े हुए हैं। तो आप अगर कोई ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप उसकी जो लाइसेंस और उसके जो वेबसाइट है कहाँ से वो इंस्टॉल किया गया है वो सब चेक करके, उसकी रेटिंग ये सब देखने के बाद ही आप इंस्टॉल कीजिए, तभी आप इस मेलवेयर अटैक से बच सकते हैं। कुछ समय पहले जो है जूडी नामक एक वायरस की चपेट में 300 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके थे और यह दावा जो है चेक पॉइंट नाम का एक रिसर्च फर्म ने किया था और इस कंपनी को गूगल प्ले स्टोर से जो है 41 ऐप को प्रभावित किया था। तो कंपनी चेकवेयर पॉइंट ने इस मेलवेयर को ऑटो क्लीनिंग एडवेयर बताया था। इस जानकारी के बाद गूगल प्ले स्टोर ने इसे रिमूव करना शुरू भी कर दिया था और रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इसकी डाउनलोड की संख्या 40 लाख से बढ़कर 2 करोड़ तक हो गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे जो है अपने सावधान हो जाइए, कहीं ऐसे अपने मोबाइल स्मार्टफोन को सेफ रखिए। तो अगर ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।